चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। लेकिन हम लोग नौकरी के साथ थे, योगी जी के साथ खड़े थे, लेकिन योगी जी का क्या है, वादे किए निभाए नहीं वादे। दंगा ही नहीं है, हाँ। इसमें पार्टी के लोग ही दंगा कर रहे हैं, हाँ। हमारे और इनके में हिम्मत थोड़ी नहीं कि हम लोग दंगा करने जाए, हाँ। हिम्मत तो पार्टी वाले लोग ही नेता वही सब ये दंगा फैला रहे हैं। लोग इस समय सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि बेरोजगारी को कम करने के लिए सपा इस समय आगे बात कर रही है, तो हम लोग सपा को वोट। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम अभी लखीमपुर खीरी ज़िले के पलिया विधानसभा में गोविंद नगर गांव में हैं। ये ज़िले का आखिरी गांव है, इससे दो कदम आगे जाएंगे गांव से तो पलिया ज़िला शुरू हो पीलीभीत ज़िला शुरू हो जाता है। अभी हम फिलहाल, जैसे मैंने बताया, गोविंद नगर गांव में हैं, जो कि लखीमपुर खीरी ज़िले में पड़ता है। इस गाँव में लगभग सारे यहाँ पर इस गाँव में कई समाज के लोग हैं, राजभर भी हैं, यादव भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, ठाकुर भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दलित भी हैं। और यहाँ पर अभी कुछ नौजवान यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे, हमारी रिक्वेस्ट पर आज उन्होंने अपनी गेम ख़त्म करी है और हमसे बातचीत करेंगे। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे आप सबका कि हमारे लिए आपने अपनी गेम रोकी। आपका नाम साहब? राजन कुमार मिश्रा। राजन जी, आप बताइए क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट है, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटेक्निक किए हैं, इस समय घर पे हैं। तो क्या अप्लाई किए हैं कहीं पर, क्या उम्मीद कर रहे हैं? अप्लाई किए थे फॉर्म, इस समय कोई वैकेंसी तो आ नहीं रही है, और इस समय कोरोना काल में घर पे बैठे हैं। राजन जी, तो ये बताइए, अभी जो चौहारा का पूरा माहौल बन रहा है, आप लोग को क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है? इधर रोमी सानी पहले से विधायक रह चुके हैं बीजेपी से, और सपा से भी इस बार कप्पू जी लड़ रहे हैं, क्या आप लोग को क्या लग रहा है? हम लोग इस समय सपा को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, क्योंकि बेरोजगारी को कम करने के लिए सपा इस समय आगे बात कर रही है, तो हम लोग सपा को वोट देंगे। चलिए और किसी से बात करते हैं साहब। आपका नाम? मनीष जी। मनीष जी, आप क्या करते हैं? अभी तो वनडे एग्जाम का तैयारी। कौन सा एग्जाम का? वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम, तो अभी क्या, अभी जो चुनावी माहौल रहा है, पांच साल जो रहे हैं, आप क्या रोमी सानी जी से खुश रहे हैं, योगी सरकार से खुश? नहीं, खुश तो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग युवा लड़के हैं, हमें नौकरी चाहिए। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां खोली हैं, काफी कहां निकाले 4 लाख? आपको यहाँ पे युवा सिटीजन सब बैठे हैं, हम लोग 3 साल हुए पढ़ाई बंद हुए, आस लगा बैठे वैकेंसी निकले, वो बातें तो बहुत कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं, हम लोग बैठे पड़े हैं। 2019 में आपका रेलवे का नौकरी आया, ठीक है, वैकेंसी आई, अभी तक उसको फाइनल नहीं करा पाए। ऊपर से उसमें एक नोटिफिकेशन बढ़ा दिया कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में 2 एग्जाम होंगे, ऐसे कहा होता है। एक तो आप ग्रुप डी की फॉर्म का वो भरवा रहे हैं, ऊपर से उसके बाद उसमें 2-2 एग्जाम, ऐसा लग रहा है आईएएस का कोई करा रहा है एग्जाम। आप बताइए, आप पिछली बार, आप लोग जैसे अभी आप कह रहे हैं कि आप सपा के साथ हैं, कक्कू जी को वोट करने की कह रहे हैं, लेकिन पिछली बार आप लोग क्या कहा, मतलब 2019 में 17 में? पिछली बार भी ऐसे था, हम लोग नौकरी चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग नौकरी के साथ थे, योगी जी के साथ खड़े थे, लेकिन योगी जी का क्या है, वादे किए निभाए नहीं वादे। पिछले साल अखिलेश यादव का जो प्रचार 5 साल का कार्यकाल रहा, इसको देख कर सारी हुआ इस समय उनकी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भर्ती निकाली, विकास किया, बहुत सुविधाएं ला दी है, उन्हीं को देखते हुए सभी उधर ही जा रहे हैं, उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, लखीमपुर खीरी और आपकी जो विधानसभा है पलिया विधानसभा, ये बहुत न्यूज में आई थी, ठीक है, क्योंकि एक घटना हुई थी जिसकी वीडियो जो हर जगह सबने देखी, टिपोनिया गांव में, जहां पर एक गाड़ी, मंत्री कहा जा रहा है मंत्री जी के बेटे की गाड़ी थी जो किसानों को रोकते हुए, उसको लेकर यहां पर, क्योंकि जिस तरह से कुछ मीडिया ने दिखाने की कोशिश करी कि ये तो भाई सिख ही नाराज हैं इससे, लेकिन आप लोग बताइए, आप लोगों के अंदर किस तरह का उसको देख कर क्या, उसको लेकर भी लोगों में आपको लगता है नाराजगी है? तो मंत्री है, मंत्री के बेटे इस तरह व्यवहार करेंगे तो फिर आप सबका भी, भाजपा भी बताया जाए तो फिर हम लोग का कैसे व्यवहार होगा, ये हमारे कहने। किसान की इतनी कोई बात ही नहीं करता ना, ये सबसे बड़ी बात ये है, किसान की इतनी आज तक कोई बात नहीं की है, किए और पहली बात उनको टेनी निकली है, जो रिक्वेस्ट कर रहे किसान उनको हटाया जाए, वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है, पश्चिम यूपी में जैसे बहुत नाराजगी रहती है गन्ने की पेमेंट की, रुके रहते हैं लोग 2-2 साल, 1-1 साल हो जाता है पेमेंट आते, यहाँ पर आप लोगों को कितनी दिक्कत होती है? यहाँ पे भी कृषि प्रधान,
और समझिए कि लखीमपुर खीरी जो है फरवरी चल रहा है ना, एक सेकंड, हाँ लखीमपुर खीरी जो है सर गन्ने के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर खेती तो गन्ने की होती है, गन्ने पे सब लोग निर्भर हैं, वही पेमेंट टाइम पे मिलता नहीं है, ठीक, दिक्कतें तो बनी रहती है परमानेंटली। चल रहा है दिसंबर का पेमेंट आया, दो महीने बैक चल रहे हैं, इसमें इलेक्शन है, इलेक्शन है तो थोड़ा बहुत देर है, नहीं दे रहे हैं, साल भर बाद देते हैं, तो भी पेमेंट वो भी रुक जाएगा, चुनाव में वाले तो इस समय दे रहे हैं, कुछ देर दे रहे हैं, जल्दी दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव में वाले बैक चल रहे हैं, 11 दिन 15 दिन धरना करना पड़ा है जिनके सामने, तब देना पड़ता है, यहाँ तो बड़ा आंदोलन भी हुआ है अभी, 11 दिन दिल्ली के बॉर्डर पर बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, मतलब आपके साइड के भी किसान आए थे, पंजाब हरियाणा पश्चिम यूपी और तराई से भी कई आए थे, आप में से कोई है जो इस किसान आंदोलन का हिस्सा बने थे? जा नहीं पाए लेकिन साथ थे, साथ थे, सपोर्ट किए थे, हम तो किसान की बात, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे मुस्लिम समुदाय हो, चाहे हिंदू हो, किसान की बात, हम किसान को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे पूरा, क्योंकि हम लोग किसान ही हैं इस समय, तिकोनिया कांड आपने बताया तो सिख समुदाय के लोग वहाँ थे, तो किसान है सर, तो उसमें सिख समुदाय हो चाहे हमारा हिंदू हो, किसान बात आती है, सबके लिए बात है, सबके लिए बात है। यहाँ जो बेरोजगारी बाकी सब लोग कह रहे हैं काफी बेरोजगारी बढ़ गई है, तो क्या आपको भी लग रहा है बेरोजगारी बढ़ी है 5 सालों में, क्या आप उससे परेशान हैं? हाँ उससे तो परेशान है जनता, लेकिन क्या करें, अब देश को चलाना है तो भाई मजबूरी पड़ा रहेगा सबके साथ। क्यों आपको लग रहा है कि इतनी बेरोजगारी और महंगाई के बाद भी ऐसे देश चला पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग पहले से दंगे से काफी निश्चिंत है हम लोग इससे, हाँ दंगा और फसाद होने से बढ़िया है कि हम लोग महंगाई ही थोड़ा झेल लिया जाए। तो यहाँ दंगे होते थे? नहीं यहाँ नहीं होते थे, मतलब पहले के सरकार में, दंगे की बात कर रहे हैं तो कुछ अभी तिकोनिया बहुत हो गया, तिकोनिया में जो मंत्री उनके बेटे दंगे कर रहे हैं, मंत्री के बेटे दंगे कर रहे हैं, मंत्री बेटे दंगे कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं, एक-एक करके सभी में आपसे बता रहा हूँ, सबको आम आदमी दंगाई नहीं है, उसमें पार्टी के लोग ही दंगा कर रहे हैं, हमारे और इनके में हिम्मत थोड़ी नहीं कि हम लोग दंगा करने जाए, हिम्मत तो पार्टी वाले लोग ही नेता वही सब ये दंगाई फैला रहे हैं। मंत्री जी के बेटे ने ही कह रहे हैं दंगा कर दिया, गाड़ी के नीचे लोगों को रौंद दिया, आप किसान हैं, आपका इस पर क्या कहना है? हमारा इस पर क्या कहना है कि मान लीजिए कोई गाड़ी के आगे आएगा तो अब क्या, वो कोई क्या करेगा, उसमें भी क्या है कि पब्लिक ज्यादा इकट्ठे थी, नहीं जैसे गाड़ी तो हम भी चलाते हैं, हमारी गाड़ी के सामने कोई आता तो रोक देते हैं, कोई आगे आप उस पे लग, मतलब वीडियो देखा गया, वीडियो देखा था, वीडियो चलाया गया था, ऊपर चढ़ा दिया गया था, लीगल की बात ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चढ़ गई है तो उसका कोई ना कोई उपाय तो निकला ही है, बहुत कुछ निकला है, मान लीजिए उनको खर्चा पानी तो मिला ही है, ऐसा थोड़ी होता है, आप किसी के ऊपर गाड़ी का काट दे रहे हैं, हम काट दे रहे हैं, तुम्हें घर 5 लाख दे देते हैं, अपने बात पूछो, अब चढ़ गया तो उसके बाद कुछ क्या करेगा, चढ़ नहीं गया, चढ़ाया गया, चढ़ाया नहीं गया, अगर आप लोग खड़े हैं कोई बाइक आ रहा है कोई छुट रहा है, हमने चढ़ा दिया उसको, क्या दिख नहीं रहा कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, धीरे नहीं आ पाएगा, अभी मंत्री का लड़का था, अरे बात राजेंट होना वाला अजीब बात है, लेकिन वहाँ पर तो साफ लोग सड़क पर चल रहे थे और उस पर पीछे से गाड़ी मारी, तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ? आप उसमें ये भी देखे होंगे कुछ में लाठी की आवाज आई होगी, SID की जो रिपोर्ट है हम वीडियो देखे हैं, लाठी पत्थर तो वो बाद में जब बाद में चलाओ गाड़ी होने के बाद लोगों ने पीटा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ SID की भी रिपोर्ट ने ये कहा है कि ये गाड़ी मारी गई है ना, और ये एक्सीडेंट नहीं होने, तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, चलिए ठीक है आपको लगता है, आप कन्विंस्ड हैं, आप मानते हैं कि वो गलती थी और आप लोग कहते हैं एक्सीडेंट था, लेकिन एक मेरे को आप सब चीज बताइए, आप सब नौजवान हैं, कुछ नारे लगते हैं इस चुनाव में भी, लगा है 80 बनाम 20, आपने सुना होगा ये नारा, सबको पता है 80 कौन 20 कौन किस तरफ इशारा है, है ना, ये नारे आपको कैसे लगते हैं, खासकर कि जब आप कह रहे हैं इतनी बेरोजगारी है ये सब है, तो चुनाव में क्या ऐसे नारे लगने चाहिए? नहीं ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए, हम लोग सहमत नहीं है इस नारे से। क्यों नहीं सहमत है? कैसे सहमत हो जाए आप ही बताइए, अब की बार तो बस सपा है, देखिए इस बार हम लोग सोच रहे बदलाव चाहिए तो बदलाव होने चाहिए, तो बदलाव 100 नंबर लाया 108 लाए, और जो मेट्रो ट्रेन है उन्हीं का है, और बहुत सारे हाईवे बहुत सारे विकास की हो,
योगी राज में कुछ नहीं हुआ। तो आप मानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए? हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको लग रहा है कि भाजपा कर रही है हिंदू मुस्लिम पिछले पाँच सालों में? नहीं, हमारे नजर में तो नहीं कर, क्योंकि अली बजरंग बली और ये सब हो ही तो रहा है। हाँ जी, हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, पाँच साल से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, और क्या हो रहा है? विकास कोई बातें नहीं चलती। अभी योगी जी की भाषा सुनेंगे आप तो केवल वो बस यही हिंदू मुस्लिम वाला बातें करते हैं। विकास में कभी उन्होंने कभी बात ही कोई नहीं किया, आज तक नहीं किया है। मैं तो कभी देखता हूँ उनका कभी न्यूज पे, कभी नहीं सुना उनका जल्दी भाषा, जो भी विकास से संबंधित कोई भाषा आज तक बोले ही नहीं। जब भी बोलते हैं तो हिंदू मुस्लिम का बात करेंगे। बाली समाज में सब लोग साथ रह रहा है, देश आजाद हुआ सब लोग साथ दिया थे, यहाँ क्या मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे? मैं यादव हूँ, मगर ये नहीं है कि मैं सबको सम्मान देता हूँ, ये नहीं कि किसी को अपमानित किया जाए कि उसको हटा दिया जाए। आप ये मुझे बताइए कि इन लोगों ने जो भाजपा के खिलाफ हैं, तो इन्होंने तो मुझे बताया कि किस किस चीज में इन भाजपा से ये खुश नहीं है। ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, विकास के काम नहीं हुए। आपके हिसाब से कौन सा अच्छा काम किया है इन्होंने? हमारे उपलब्धियाँ थोड़ी बताइए। हमारे हिसाब से अच्छा काम ये हुआ है कि गरीबों को राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, महीने में दो बार मिल रहा है। जिसके पास मान लीजिए जिसके पास खेत नहीं है, किसान नहीं है, वो कब तक मजदूरी करके खाता? लेकिन इस सरकार को अभी तक मतलब मान लीजिए इतना यहाँ पे बाढ़ आया, पानी आई, हर चीज का सुविधा दिया, पैसा दिया और राशन दिया, अब क्या चाहिए इस सरकार से? ठीक, आप लोग बताइए, जो कह रहे हैं 5 किलो राशन मिला है, ये क्योंकि सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनवा रही है कि हमने 5 किलो राशन गरीबों को दिया। ये बताइए कब तक देती रहेगी सरकार? 5 साल से राशन दे रही है सरकार, ये 6 महीने, हाँ, ये आगे कब तक देगी? इससे पहले लोग गरीब हमेशा देती चली जाएगी, ये बताइए आप। 6 महीने से राशन फ्री में मिल रहा है गरीबों को, इससे पहले लोग प्रॉब्लम शुरू होगा तभी से तो देगा कोई नहीं हो जाए। ये सब पैसा बचे हैं लोगों को, अब तो कुछ फायदा नहीं। आप से मरने की गरीब गरीब मार रहे हैं गरीब, 6 महीने हुए सब लोग, 6 महीने कोई गरीब नहीं था, सब अमीर थे, 6 महीने में सब गरीब हो गए, सब राशन मिल रहा है। आपको लग रहा है ये चुनावी जुमला ही है? जुमला ही है, फ्री का राशन बता रहा है, फ्री का राशन मिल रहा है, फ्री राशन में क्या मिल रहा है? यही पिछली सरकारों में मिट्टी का तेल वगैरह मिलता, चीनी मिलती, चाय पत्ती मिलती, हर चीज मिलता था, इसमें क्या केवल चावल पैसे से नहीं मिलता था? कितने रुपए किलो था? 1 रुपए किलो कौन पैसा रेट कितना था? 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो इससे ज्यादा था? अरे उससे नहीं मतलब सरकार फ्री में नहीं खिला पाएगी, अभी हटा देगी, वो भी फ्री दे रही है। ठीक, इससे पहले हमको लग रहा है कि हम लोग 60-65 रुपए डीजल खरीदा हुआ हम लोगों ने, इस समय हम लोग 100 रुपए, 110 रुपए, 105 रुपए डीजल खरीद रहे हैं, पेट्रोल को आप जान ही रहे हैं। ठीक, ये सब कहाँ से जा रहा है? ले हमसे रहे, हम ही को आवाज फ्री दे रहे हैं। हमारी नजर में भाजपा सरकार क्यों अच्छी लगी आपको? भाजपा सरकार क्यों अच्छी लगी? हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था, हाँ, राम मंदिर का मुद्दा था, इतने सालों से राम मंदिर के मुद्दे पे चुनाव होते रहे हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया, जो उन्होंने वादे किए उन्होंने पूरे किए। लेकिन मंदिर का तो वर्डिक्ट कोर्ट से आया, वो तो कोर्ट से आया, मंदिर पहले भी सरकार वो सरकार नहीं ले आ पाई, सरकार नहीं लाती ना, तो कोर्ट लाती है, कोर्ट लाती है तो सरकार स्वतंत्र रूप से चलना चाहिए ना। आप मान रहे हैं कि कोर्ट पर कब्जा हो गया सरकार का? नहीं, कोर्ट पर कब्जा नहीं हुआ, सरकार दबाव डाल के मतलब, तो आप कह रहे हैं सरकार कोर्ट पर दबाव डाल रही है? आप ये कह रहे हैं कोर्ट पे दबाव नहीं है, कह रहे हैं दबाव डाल रही है, इससे पहले भी तो सरकारें थी, फैसला नहीं हो रहा था। हाँ हाँ, तो मैं तो ये भाजपा की राजनीति थी। ठीक है, यहाँ पर पिछले 5 सालों में एक चीज बताइए, जब लॉकडाउन लगा तो बच्चों को कहा गया घर से पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ये सब पढ़ो, ये यहाँ पर कितने लोग बच्चे ऐसे होंगे या घर होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था, जिनकी पढ़ाइयों में असर पड़ा? कोई नहीं पढ़ा है। हाँ जी, लॉकडाउन के बाद से कोई भी पढ़ाई नहीं किया है। अच्छा, कोई नहीं पढ़ाई किया है, लॉकडाउन से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। और क्या सरकार ने अपनी तरफ से प्रावधान दिए हैं? कोई नहीं, कोई प्रावधान नहीं, कोई नहीं प्रावधान। हर समय कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, जरा सब कुछ भी स्कूल बंद, हर चीज रैलियां चल रही है, स्कूल बंद करेंगे, मतदान सब कुछ हो रहा है, हर जगह भीड़ जमा हो रही है, लेकिन कुछ भी हो रहा है पहले स्कूल बंद कर दिया। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय सबसे डाउन हो चुके हैं, एक तो योज खत्म हो रहे हैं, उसके बाद स्कूल बंद हो रहे हैं, कैसे तैयारियां चलेंगी? इससे पीछे कोई बहुत देर से मुस्कुरा मुस्कुरा के हमें देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। आगे आइए, क्या नाम हो आपका? तौहीद आलम। क्या करते हैं तौहीद भाई? तैयारी किस चीज की? एसएससीडी यूपी पुलिस कंपटीशन का तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससीडी की तैयारी कर रहे हैं, भर्तियाँ खुली है क्या? नहीं सर, भर्ती आई नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं भर्तियां खुली हैं, कहाँ आई है? एक 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 2018 से 22 में भर्ती आई है। कोरोना भी तो चल रहा है उसमें। अरे भैया, आप कोरोना आया है? कोरोना नहीं, कोरोना नहीं।
तो कोरोना में आप बताइए, रैली आऊंगी, चुनाव होंगे, भर्ती नहीं आएंगे। तो जब जो भर्ती आना है वो आएगा, जो जो अर्जेंट है वो तो आना ही है। मतलब अर्जेंट है ये पहली बात, ये बताइए एक सेकंड आप कह रहे हैं चुनावी रैली अर्जेंट है लेकिन रोजगार अर्जेंट नहीं है। नहीं, अभी एक बताइए, आप क्या बोल रहे हैं, जब डेट आ जाएगा इलेक्शन का तो होना ही होना है। नहीं, पहले भी कई बार हुआ है कि डेट आगे पीछे नहीं है। तो रेलवे का भी आया था लेकिन क्यों उसको 23 तारीख डेट था, आज क्या कर रहे हो, मतलब एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत पहचान वही होती है जहाँ पर अलग अलग मतों के लोग भी साथ आके बिना एक दूसरे से नाराज हुए अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से रख सकते हैं। यही शायद सबसे खूबसूरत चीज एक लोकतंत्र की होती है जहाँ पर आपसे असहमत होने की वजह से आप देशद्रोही नहीं बन जाते हैं, बस दूसरी पार्टी के होते हैं। और मैं यही उम्मीद कर सकते हैं कि लोकतंत्र की इस खूबी को हम बरकरार रखें चाहे जो भी चुनावी नतीजे आए। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी चर्चा में आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें, आगे बहुत सारी रिपोर्ट्स आप तक आती रहेंगी।